तीन रूमों का हमने उस वीडियो में कवर कर लिया था। अब आया ये डाइनिंग हॉल, और इसके बाद ये बाहर का शोकेस अलमीरा, इसको हमने पूरा स्क्रैच करके इसमें केमिकल इंजेक्ट कर दिया है, साथ में ऊपर से ड्रिलिंग भी करी है। और इसके बाद ये किचन वाला एरिया है, किचन वाले एरिया को भी हमने नीचे, किचन पूरा ही डैमेज है इसमें, नीचे से भी होल करके हमने हर एक कैबिनेट को ड्रिल करके इंजेक्ट कर दिए हैं। साथ में इसका किचन का जो बाहर वाला चौखट है, इसको भी हमने कवर किया है। साथ में हमको यहाँ पर भी दीमक मिली है, इसके ऊपर तो पूरा ये आपको दिखा दूँ दोस्तों, ये उसके ऊपर थे तो इसमें पूरी तरह से दीमक लगी थी, इसको हमने ऊपर से पूरा साफ करके उसमें केमिकल इंजेक्ट कर दिया है। एक बार दिखा देता हूँ यहाँ की कंडीशन में आपको, ये यहाँ पर टाइल थी, टाइल के नीचे पूरी दीमक भरी हुई थी, इसको हमने पूरा सा स्क्रैच करके इसमें केमिकल इंजेक्ट कर दिया। अब जितनी भी दीमक है पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, धीरे धीरे पूरी सूख जाएगी। और इसके शोकेस भी हमने पूरे स्प्रे कर दिया है, और सिंक के नीचे हमने स्प्रे मार दिया है। और ये एरिया यहाँ पर भी दीमक बहुत ज़्यादा थी, इसको भी हमने कवर किया है, ड्रिल करके डाल दिया इसको अंदर से भी बाहर से भी, जिससे कि ये डैमेज तो हो गया फिर आगे रुक जाएगा। इसके अलावा ये तो पूरी ख़राब हो ही चुकी थी तो, और ये है मेन डोर, मेन डोर को भी हमने ड्रिल करके चारों तरफ से इंजेक्ट कर दिया केमिकल। और इसके साथ ही हमारा यहाँ पर का काम खत्म होता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।